सीएम की बड़ी सौगात। जी हां, मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में बड़े ऐलान कर दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि आपकी दृष्टि और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर भी कम नहीं है, कई मायनों में ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों ने नियुक्ति नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करके दिखाया है। सीएम ने कहा है कि अब संविदा कर्मचारियों की अनुबंध प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, साथ ही संविदा कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी। सरकार संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का फायदा भी देगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि सभी संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का भी लाभ दिया जाएगा। पिछली बार 90% की बात हुई थी, लेकिन अब 100% दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। तो बता दें, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात आज भोपाल में मिली है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का फैसला किया है। आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों का यहां पर एक बड़ा ऐलान हुआ है। प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज संविदा कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब नियमितीकरण किया जाएगा, अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ मिलेगा, साथ ही पेंशन और ग्रेच्युटी का भी फायदा इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। पहले 90% ग्रेच्युटी की बात हुई थी, लेकिन अब 100% तक इनको लाभ मिलेगा और साथ ही बीमा योजना का लाभ भी इन कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह की सौगात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को दी है। चुनावी साल है, चुनावी साल में हर एक दल जो है, कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, सबको लुभाने का वायदा करता है। दल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे, ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। और वो भी एक निश्चित। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बात की जाए, चुनावी साल है, चुनावी साल में कर्मचारियों को लुभाने का लगातार जो सिलसिला है सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे, इसी कड़ी में अब संविदा कर्मचारियों को भी यहां पर एक बड़ा फायदा होते हुए दिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियमितीकरण सहित तमाम मांगे उनकी मान ली है। क्या कहा जाए कि चुनावी साल में अब कोई भी चूक जो है सरकार या बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में करीब 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी हैं, जो कि लगातार इंतजार कर रहे थे सरकार के इन फैसलों का। तो 8 बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है, इनको जो है लाभ देने की बात की है। करीब 60 से 70 हजार जो संविदा कर्मचारी हैं, वो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्र हुए थे। लाल परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हुआ था, नेहरू स्टेडियम में। आपको बताऊं कि पेंशन स्कीम की बात सुनो, लाभ देने की बात कही है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी के लाभ देने की बात की है, स्वास्थ्य बीमा की बात की है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो लगातार जो संविदा कर्मचारी हैं वो मांग करते आ रहे थे, उन मांगों को माना गया है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, मात्र 4-5 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। उससे पहले जो सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, वो लगातार जो वादे घोषणाएं कर रहा है, अब उस पर अमल होगा कि नहीं। लेकिन हमारे साथ जो संविदा कर्मचारी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर,
आज जो घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है आपको? आज निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन रहा है, आज तक न इतिहास में ऐसा कभी हुआ ना हमने देखा, क्योंकि आज जो मामा जी ने किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ना की घोषणा की है, जो विडम्बना थी, जो कष्ट था सदियों का लोगों का बीच का, वो सबको सबकी पूर्ति कर दी। पेंशन नहीं मिलती थी पेंशन दे दिया, ग्रेजुएटी नहीं मिलती ग्रेजुएटी दे दी, अनुकंपा नियुक्ति कर दी, 100% उनको जो सैलरी मिलनी थी वो रेगुलर कर दी। तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, इससे अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसका सभी हमारे प्रदेश के 2.5 लाख संविदाकर्मी स्वागत करेंगे और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा निर्णय लिया, ताकि सभी को कष्ट आ रहा। एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि संविदा जी, बिल्कुल आपको रुकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र सिंह भदौरिया जो कि संविदा कर्मचारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है आईरिस 24/7 में। शिवराज सिंह चौहान के फैसले को कैसे देखते हैं आप? लोगों को बड़ी एक सौगात दी है, चुनावी साल है, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल जितेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। जितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोमरदास जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको बता दें हमारा शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा जितेंद्र जी के साथ। और आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है संविदा कर्मचारियों के हित को देखते हुए। चुनावी साल है, चुनावी साल में बीजेपी भी कोई कोरी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कर्मचारी हो या आम आदमी हो या महिला वर्ग हो या आधी आबादी हो, किसी को भी वह हर वोटों को अपने पाले में तब्दील करने की कोशिश करे। उसी कड़ी में राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो है संविदा कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन था, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोला है, बड़े ऐलान किए हैं। दिनेश जी, अगर पूरी बात को आप कंप्लीट कीजिए, क्या कुछ जो संविदा कर्मचारियों के हित को फैसला दिया गया है, क्या कुछ उनका कहना है, कर्मचारियों का क्या कहना है? दिनेश, शायद दिनेश से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो भोपाल में चुनावी साल में एक बड़ा फैसला यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है।